दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट अभी तक मौजूद हैं वे सब अपने आप में ही इंटरेस्टिंग फैक्टों से भरे पड़े हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनका प्रयोग उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है। आयरन और एल्युमिनियम का प्रयोग घर, कार, बिल्डिंग, ट्रेन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल में मौजूद उन हाईली लीथल, खतरनाक और घातक एलिमेंटल पॉइजन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ एलिमेंटल पॉइजन का प्रयोग इतिहास में लोगों को मारने के लिए किया जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइजन की। पॉइजन ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जिनके संपर्क में आने से या किसी माध्यम से हमारे शरीर में आ जाने से हमारे शरीर के नॉर्मल एक्टिविटी या गति पर काफ़ी भयंकर प्रभाव पड़ता है। पॉइजन के प्रभाव से हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम, ऑर्गन, सेल डैमेज होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार पड़ता है और कुछ केसेस में व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। साइंस ने पॉइजन को सामान्यतः तीन भागों में बांटा है, रेडियो एक्टिविटी, री एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी। ये तीनों हैं क्या और कैसे काम करते हैं, आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले इनवर्ल्ड एक ग्रोइंग चैनल है जिसको आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर अपना समर्थन जरूर दें। आइए सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी पॉइजन की। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटम अनस्टेबल होते हैं। उनके न्यूक्लियाई लगातार टूटने के कारण ऊर्जा अल्फा, बीटा और गामा के रूप में बाहर निकलता रहता है और ये रे बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। इसके अंदर यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम जैसे एलिमेंट आते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ज़्यादातर उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन और न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है। लेकिन इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म में एक तरह के हाईली लीथल पॉइजन है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में आते ही ब्रेन, टिश्यू, DNA डैमेज हो जाते हैं, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पॉइजन का दूसरा कैटेगरी रिएक्टिविटी होता है। रिएक्टिविटी का मतलब है दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्शन करना। जैसे सोडियम, जो कि पानी के साथ काफ़ी भयंकर रिएक्शन करता है, अगर सोडियम को कोई निगल ले तो उसका पेट तुरंत फट जाएगा। इस प्रकार रिएक्टिव पॉइजन काफ़ी घातक और खतरनाक होते हैं। रिएक्टिव पॉइजन किसी प्रकार हमारे शरीर में आ जाने से शरीर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। पॉइजन का तीसरा कैटेगरी टॉक्सिसिटी होता है। टॉक्सिक पॉइजन ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में एंटर करने से हमारे शरीर के कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल को ख़राब कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। टॉक्सिक पॉइजन सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। आइए आज हम पीरियोडिक टेबल में मौजूद टॉप 5 हाईली लीथल, घातक और खतरनाक एलिमेंटल पॉइजन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पोलोनियम। पोलोनियम एक हाईली लीथल, हाईली पॉइजनस एलिमेंट है। यह इतना घातक और खतरनाक है कि इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पोलोनियम साइनाइड से 250,000 times यानी 250,000 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यह इतना घातक है कि 1 ग्राम पोलोनियम 210 की मात्रा 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों को मार सकता है, अगर किसी माध्यम से शरीर में पहुंचा दिया जाए तो। पोलोनियम एक रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम भी एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जहाँ प्लूटोनियम होता है वहाँ के आसपास इन्वायरमेंट में अल्फा, बीटा, गामा रे फैल जाती है और उस इन्वायरमेंट के संपर्क में आते ही ये रेडिएशन हमारे शरीर को पेनिट्रेट कर देती है, जिससे हमारे सेल DNA डैमेज हो जाते हैं और जिससे कैंसर होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर प्लूटोनियम को किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचा दिया जाए तो सिर्फ 500 ग्राम प्लूटोनियम 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों की जान ले सकता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। फ्रांसियम इतना रिएक्टिव होता है कि अगर फ्रांसियम को सिर्फ अपने हाथ पर रख दिया जाए तो विथ इन अ नैनो सेकेंड के अंदर आपकी स्किन से रिएक्शन कर एक्सप्लोड कर जाएगा। अगर फ्रांसियम आपके शरीर में पहुँचा दिया जाए तो आपके शरीर के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा और व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। फ्रांसियम दुनिया के सबसे महंगे एलिमेंटों में आता है। फ्रांसियम काफ़ी रेयर एलिमेंट है, यह पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 1 चम्मच जितना ही मौजूद है।
इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक हाईली टॉक्सिक एलिमेंटल पॉइजन है। आर्सेनिक को क्लासिक पॉइजन भी कहा जाता है। आर्सेनिक एक ऐसा पॉइजन है जिसका प्रयोग मध्यकालीन युग में राजा रानियों और व्यक्ति को मारने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आर्सेनिक की विशेषता यह है कि आर्सेनिक एक वाटर सोल्यूबल टॉक्सिक पॉइजन है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है। इसका ना ही कोई रंग, सुगंध और टेस्ट होता है। इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसका प्रयोग टॉक्सिक पॉइजन के रूप में ज़्यादा किया जाता था। आर्सेनिक की उचित मात्रा देने के बाद व्यक्ति की मृत्यु एक घंटे के अंदर काफ़ी तड़प तड़प कर होती है। इस लिस्ट में पाँचवें नंबर पर आता है मरकरी। मरकरी भी एक हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी की डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि हाथ में लेने से यह हमारे स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब होने लगता है। मरकरी सबसे खतरनाक अपने वेपर फॉर्म में होता है। मरकरी जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट्स ऑर्गन को डैमेज कर देता है। मरकरी का सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर पड़ता है, जिससे हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मरकरी बेस्ड थर्मामीटर को आज के समय में बंद कर दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।